नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह वर्किंग एज ए कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। मैं आज आपके सामने एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं, इसको आपके सामने बात करने के लिए आया हूँ। ओवर एक्टिव ब्लैडर किसे कहते हैं? यदि पेशाब बार बार हो जिसे हम मेडिकल भाषा फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, अर्जेंसी यदि पेशाब लगे रोक नहीं पाना, या अर्ज इनकॉन्टिनेंस जो पेशाब लगे और कपड़े गीले हो जाना, या नॉक्टूरिया जिसमें पेशाब रात में दो बार से ज्यादा उठना, इस कंडीशन को ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं। बट इस कंडीशन को डायग्नोस करने से पहले हमें ये रूल आउट कर लेना है कि कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो या फिर कोई ऑब्वियस ब्लैडर पैथोलॉजी नहीं हो। ये कंडीशन बहुत ही कॉमन है हमारे सोसाइटी में, और हमारे खासकर हमारे जो फीमेल पेशेंट्स हैं, एम्बैरेसमेंट की वजह से ये डॉक्टर्स के पास नहीं आ पाती है और इसका उचित इलाज नहीं हो पाता है। ये एक काफी कॉमन कंडीशन है जो कि हमारे हर एज ग्रुप में मिलता है, बट जैसे हमारे एज मेल्स या फीमेल्स में एज बढ़ता है 40, 50, 60 के बाद, ये सिचुएशन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। और ये दो तरीके का जनरली होता है, इसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर वेट बोलते हैं जिसमें मरीज के कपड़े गीले हो जाते हैं बाथरूम जाने से पहले, जो कि काफी कॉमन है फीमेल पेशेंट्स में, और एक ड्राई जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा अर्जेंसी होती है। ये मेल्स और फीमेल्स में दोनों में कॉमन होता है, बट मेल्स में जिनमें ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन जिसको बीपीएच की वजह से हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास काफी आते हैं और इससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। जैसे उनको जिनको ये इतनी सिम्टम सीवियर होती है, वो बाहर नहीं ट्रैवल कर सकते, बस में ट्रैवल नहीं कर सकते, वो बाहर घूमने नहीं जा सकते क्योंकि उनको हमेशा बाथरूम की तलाश होती है, उनकी सेक्सुअल लाइफ अफेक्ट होती है, बहुत बार तो उनके प्रोफेशनली भी वो डिस्कार्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। तो प्लीज आपको ये सिम्टम्स मिले तो आप नियरेस्ट एक स्पेशलाइज्ड न्यूरोलॉजिस्ट को मिलिए, वो आपको एक सही रास्ता दिखाएंगे। ऐसे मरीजों जो हमारे पास आते हैं उनको हम लोग प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं, एक फिजिकल एग्जामिनेशन, एक प्रॉपर ब्लैडर एग्जामिनेशन करते हैं, एक नर्व एग्जामिनेशन करते हैं। बहुत बार हमारे न्यूरोपैथीज या ब्रेन की कोई समस्या की वजह से ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है। हम लोग प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, शुगर ना हो, हम लोग यूरिन टेस्ट कराते हैं कि उसमें कहीं इन्फेक्शन ना हो, एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि पेशाब पूरा खाली तो हो रहा है कि नहीं, कोई ब्लैडर पैथोलॉजी है कि नहीं, और उसके साथ हम एक कफ टेस्ट भी करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि ये जो सिम्टम्स के साथ यूरिनरी लीक की भी संभावना बहुत ज्यादा होती है, जिसे हम लोग मेडिकल भाषा में स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, जो कि काफी इसका ट्रीटमेंट अलग है ओवर एक्टिव ब्लैडर से। और खासकर कॉम्प्लेक्स कंडीशन में हम लोग एक यूरोडायनेमिक टेस्ट भी करवाते हैं। ऐसे मरीज जब हमारे पास आते हैं तो हम लोग फर्स्ट उनको एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं, जैसे इनका काफी ओवरवेट हो तो उनको वजन कम करने की सलाह देते हैं, जो लोग पानी ज्यादा पीते हैं उनको हम लोग पानी कम पीने की सलाह देते हैं, जो लोग अल्कोहलिक या अल्कोहल का सेवन करते हैं या सिगरेट स्मोकिंग ज्यादा करते हैं या टी एंड कॉफी का सेवन ज्यादा करते हैं उनको हम लोग उसको सलाह कम करने की सलाह देते हैं, जो लोग ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड हैं उनको कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने की सलाह देते हैं, और खासकर जो पेशेंट जिनके इनकॉन्टिनेंस जो वेट ब्लैडर जिसे हम बोलते हैं उसमें हो, तो उसमें पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज करने के लिए एडवाइस देते हैं, जो कि काफी बार फिजियोथेरापिस्ट की भी हम लोग उसमें ओपिनियन लेते हैं। बहुत बार इन सारी चीजों के अलावा यदि हमारा पेशेंट को रिलीफ नहीं हो, हमारे पास बहुत सारे मेडिकल ड्रग्स अवेलेबल है जिनसे हम लोग पेशेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम मेडिकल भाषा में एंटी मस्करेलिक्स बोलते हैं, जैसे डेरिफेनासिन, सोलिफेनासिन, टॉलटेरोडीन, प्रोस्टियम हाइड्रोक्लोराइड, और अभी जो न्यूरो ड्रग्स है जैसे बीटा 3 एग्रोनिस्ट बोलते हैं, जिसे हम नीरा बैकग्राउंड बोलते हैं। तो हम लोग जिस ऐसे मरीज को एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस देने के साथ साथ बहुत बार एक दवा से शुरू करते हैं, उसके फायदा कैसे रिस्पॉन्स होता है उसको देखते हुए सेकेंड मेडिसिन भी हम लोग एडवाइस करते हैं इन कॉम्बिनेशन। बहुत बार मेडिसिन से पेशेंट्स बहुत रिलीफ हो जाते हैं, लेकिन काफी कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं जो कि मेडिसिन से रिलीफ नहीं होते हैं, तो उन मरीजों में हम लोग एक सिस्टोस्कोपिकली गाइडेड बोटॉक्स इंजेक्शन देते हैं। इसका बहुत अच्छा असर होता है पेशेंट्स में, बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा कॉस्टली है और इसे हम हर 9 महीने से 1 साल के अंदर साइकिल रिपीट करना पड़ता है। बहुत बार बोटॉक्स का असर नहीं होने पे हमारे पास बहुत सारे नर्व स्टिमुलेटर्स हैं, जिसे हम पोस्टीरियर ट्यूबल नर्व स्टिमुलेशन बोलते हैं, जो कि खासकर न्यूरोलॉजिस्ट या फिजियोथेरापिस्ट इस ट्रीटमेंट को सलाह के पास हम लोग भेजते हैं, या फिर बहुत बार सैक्रल न्यूरो मॉड्यूलेशन एक काफी नया टेक्निक आई है जो कि कुछ स्पेशलाइज सेंटर्स में अवेलेबल है, इसकी हम सलाह देते हैं। बहुत बार ये सारी मेडिकल मैनेजमेंट और ये
जिससे लेस इन्वेसिव ट्रीटमेंट के बावजूद यदि पेशेंट्स की सिम्टम इम्प्रूव नहीं होती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अफेक्टेड होती है, तब हमें बहुत बार एक रेडिकल सर्जरीज एडवाइस करना पड़ता है, जिसमें हम लोग पेशाब की थैली को खोल करके एक छोटी आंत जिसे आईलियम बोलते हैं उसको उस रास्ते में जोड़ते हैं, जिसे हम क्लैम्प सिस्टोप्लास्टी बोलते हैं, और बहुत बार पेशेंट इससे रिस्पॉन्ड करता है। बट हम लोग काफी एक्सपर्टिटी की प्रैक्टिस में देखे हैं कि बहुत बार पेशेंट इन सारी ट्रीटमेंट से किसी से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उनको हर आधे घंटे एक घंटे को पेशाब जाना पड़ता है, जिससे उनकी लाइफ नर्व जैसी हो जाती है। उस कंडीशन में बहुत बार ऐसा होना पड़ता है कि उसकी पूरी पेशाब की थैली को हमें निकाल देना पड़ता है। ये एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होता है इस मेडिकल मैनेजमेंट, इस मेडिकल कंडीशन में। तो मैं ये चाहता हूं कि एटलीस्ट इस मेडिकल कंडीशन के बारे में आप लोग जागरूक हो, आप ऐसी जो भी सिम्टम्स आपको हो, आप कृपया अपने नियरेस्ट एक स्पेशलाइज यूरोलॉजिस्ट के पास मिलिए, वो आपको एक सही रास्ता दिखाएंगे और आप एक नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ आप जी सकते हैं। थैंक यू।